ये सोचते हैं सुल्तान की हीरो वो होता है जो जीतता है। मेरा ये मानना है कि हीरो वो होता है जो हारता है, क्योंकि वही जानता है जीतने की असली वैल्यू। तेरे को दिखता नहीं पैसा कितने आती है। सुअर हमेशा ग्रुप में शिकार करते और शेर अकेले। इसे थोड़ा कम कर, बहुत ऊपर जाएगा वरना सीधा ऊपर जाएगा। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर लिया फिर मैं अपने आप की भी नहीं सकता। कैसी रही थी सलमान खान की वनडे? इस फिल्म ने कैसे उन्हें फ्लॉप से सुपरस्टार बनाया? क्या कमाल किया प्रभु देवा ने? इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो वीडियो को एंड तक पूरा देखें और हमारे चैनल बॉलीग्रेड स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना भी ना भूले। तमिल और तेलुगु में पोखरी के नाम से हिट होने के बाद हिंदी में बनी वांटेड एक बेहद ही सफल फिल्म रही थी। कई फ्लॉप फिल्में देने के बाद एक बार फिर सलमान खान को इसी फिल्म से पहचान मिली थी। प्रभु देवा ने भी इसी फिल्म के जरिए बॉलीवुड में निर्देशक के रूप में एंट्री ली थी और फिल्म की लीड हीरोइन आयशा टाकिया की शादी से पहले ये आखिरी फिल्म थी। आइए आज हम आपको फिल्म से जुड़े अपने विचार और रिव्यूज बताते हैं। फिल्म की कहानी की बात करें तो राधे एक गैंगस्टर है जो गनी भाई के लिए काम करता है। जानवी एक सीधी सादी सी लड़की है जो राधे से प्यार कर बैठती है। राधे गनी भाई के दुश्मनों को एक एक कर मारता है और नए दुश्मन भी पैदा करता है। इंस्पेक्टर तलपरे जानवी पर बुरी निगाह रखता है जिसे नहीं पता कि जानवी राधे को प्यार करती है। फिल्म के सभी माफिया गैंग मुंबई पर राज करना चाहता है, इसके चलते जिसके सामने जो गैंग आता है उसका खात्मा होता रहता है। कमिश्नर अशरफ खान शहर को अपराध मुक्त करने की कोशिश में लगे रहते हैं। इन सब की आपसी लड़ाई ही है वांटेड की कहानी। कई फ्लॉप फिल्में जैसे युवराज, गॉड टू सी ग्रेट हो, हेलो और हीरोज देने के बाद आखिरकार सलमान ने इस फिल्म से अपनी दूसरी पारी खोली। यही नहीं, एक्शन हीरो के रूप में भी उन्होंने कई नए फैंस बनाए और अपनी धाक बनाई। हिट होने से पहले वे कई टीवी शोज में दिखे ताकि लोग उन्हें भूल ही ना जाए। इस फिल्म में वे अनस्टॉपेबल, अनबीटेबल और अनब्रेकेबल थे। आसानी से गुस्सा हो जाने वाले अपराधी के रोल में वे छा जाते हैं। किसी सीन में अपनी छोटी सी हाजिरी से भी वे उसे देखने लायक बना देते हैं। विलेन के रूप में प्रकाश राज में आपको हंसा भी देंगे और एक वरिष्ठ पुलिस के अवतार में महेश मांजरेकर भी बढ़िया दिखते हैं। आयशा टाकिया ने अपने किरदार को बखूबी से निभाया है और सलमान के साथ उनकी जोड़ी दर्शकों को खूब भाती है। बॉलीवुड में निर्देशन में अपना डेब्यू करने वाले प्रभु देवा ने इसे भरपूर मसाला फिल्म के रूप में पेश करने की जोरदार कोशिश की है। मूल कहानी को ना छोड़ते हुए भी हर चीज बारीकी से दिखाई गई है। विजयन द्वारा निर्देशित एक्शन सीन्स देखते ही बनते हैं। बहुत घूर रहा है अपनी बहन की शादी करेगा जैसे डायलॉग हंसी भी दिलाते हैं और सुनने में बढ़िया भी लगते हैं। फिल्म के गाने तो फिल्म रिलीज के काफी पहले से ही लोगों की जुबान पर थे, खास करके शान और श्रेया घोषाल की खूबसूरत आवाज में गाया गाना तुम जान जान कहकर मेरी जान कह गए। इसके अलावा इसमें मेरी ही जलवा जैसे नाचने पर मजबूर कर देने वाले गाने भी है। सीधे साधे हीरो हीरोइन की लव स्टोरी और परिवार के विरोध से हटकर इस फिल्म में काफी कुछ नया है। कम शब्दों में कहे तो ये एक मसाला मूवी है जिसमें मारधार के एक्शन का भी भरपूर मिश्रण है। फिल्म बहुत मनोरंजक है। अब अगर आप ये फिल्म देख चुके हैं तो आपको तो फिल्म के बारे में सब पता ही होगा, पर अभी तक अगर आपने इसे नहीं देखा है तो आप इसे देख सकते हैं। 3 घंटे तक ये फिल्म आपको बोर नहीं होने देगी। और दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और फिल्मी दुनिया से जुड़ी ऐसी खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।